देहरादून की, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय स्थित राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र में चार धाम यात्रा 2023 के सफल संचालन के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा आयोजित टेबल टॉप और मॉक ड्रिल कार्यक्रम में हिस्सा लिया है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने चार धाम यात्रा मार्गों पर आपदा प्रबंधन के लिए किए जा रहे मॉक अभ्यास का वर्चुअली अवलोकन भी किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि चार धाम यात्रा के लिए राज्य सरकार द्वारा श्रद्धालुओं की सुविधा के दृष्टिगत सभी तैयारियां की गई है। चार धाम यात्रा मार्गों पर आपदा प्रबंधन की दृष्टि से यात्रा शुरू होने से पूर्व मॉक अभ्यास किया गया है। इसके लिए आपदा प्रबंधन के लिए केंद्र और राज्य सरकार के विभिन्न संस्थानों के बीच समन्वय भी बढ़ेगा। देहरादून से अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। चार धाम यात्रा की जो तैयारियां हैं काफी पहले से प्रारंभ कर दी थी और इसके पीछे हमारा एक ही उद्देश्य है कि आने वाले सभी श्रद्धालुओं को, सभी पर्यटकों को आसानी से यात्रा उनकी हो पाए, उनकी यात्रा सुगम हो, अच्छी हो और किसी प्रकार की कोई परेशानी न हो, आपदा की स्थिति हो या कोई अन्य स्थिति उत्पन्न होगी तो उसके लिए भी हमारी सभी एजेंसियां एक दूसरे से संपर्क करते हुए, एक दूसरे से आपस में समन्वय करते हुए, कोऑर्डिनेशन के साथ काम करें।